एनआईए अफसर व उनकी पत्नी की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी मुनीर और रयान को फांसी की सजा। एडीजे कोर्ट 5 के जज डॉक्टर विजय कुमार तालियान ने सुनाई सजा। दोनों को फांसी की सजा का ऐलान। तंजीम, जेनी और रजवान को किया गया बरी। मुख्य आरोपी मुनीर और रयान ने गोली बरसा कर उतारा था एनआईए अफसर तंजील और उनकी पत्नी फरजाना को मौत के घाट। 2-3 अप्रैल 2016 की घटना। आइडिया एनआईए अफसर पर कोर्ट का फैसला। एक ऐसा दुर्दांत अपराधी जिसने अपने साथी के साथ मिलकर 7-2016 में एनआईए के डिप्टी एसपी व उसकी पत्नी को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया था, वो भी महज पुरानी रंजिश को लेकर। कई सालों से जेल में बंद मुनीर व रयान को बिजनौर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम के जज डॉक्टर विजय कुमार तालियान ने डबल मर्डर में दोनों को दोषी माना है। गौरतलब है कि एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजान अपने पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में 2-3 अप्रैल 2016 की मध्य रात्रि को अपने रिश्तेदारों के यहां से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे कि इस दौरान मुख्य आरोपी मुनीर व उसके 4 साथियों ने कार को रुकवा कर पति पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। एनआईए के अफसर तंजील अहमद की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी फरजाना की मुरादाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुनाई गई है, कैपिटल सेंटेंस फांसी की सजा, फांसी की सजा दी गई है मुनीर और रयान को। मामला क्या था? मामला ये था, 2-4-2016 की घटना है। एनआईए के अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनका कत्ल किया था और उनकी पत्नी का, दोनों का कत्ल किया था, तो उसमें दोनों को फांसी हुई है। कितने लोग थे घटना में? घटना में 5 लोग शामिल थे, 3 को साक्ष्य के भाव में छोड़ दिया और 2 को फांसी। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद एवं उनकी पत्नी फरजाना अपने बच्चों के साथ बिजनौर के सहसपुर में आ रहे थे एक शादी समारोह में। 2-3 अप्रैल 2016 को जब वो लौट रहे थे, अर्धरात्रि में बदमाशों ने गोली से छलनी कर दिया था। इस डबल मर्डर केस में मुनीर एवं रयान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट ने 1 लाख रुपये के अर्थदंड एवं 10 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया था। हत्या के मामले में एडीजे 5th कोर्ट ने आज उन्हें फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। मुनीर एवं रयान दोनों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई गई है। इस सजा से पूरे जनमानस में, पूरे जनपद में न केवल पीड़ित परिवार जनों को संतोष हुआ है, पुलिस प्रशासन एवं शासन के प्रति पूरे जनता में एक अच्छा संदेश गया है तथा अपराधों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है। खबर भारतवर्ष के लिए बिजनौर से उस्मान मंसूरी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।